बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि मेरे नाना के दीन की शरीयत को पामाल किया जा रहा है और उसमें तरमीम की जा रही है, तो आपने क़याम फरमाया और उसको बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, दीन इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने 38 साल के भाई, 18 साल के नौजवान फर्जंद और 6 माह के बेटे की भी कुर्बानी पेश की और इस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया, जो आज हमें न्याय नसीब हुआ है गरीब नवाज के ज़रिए से। हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई और नहीं थे, सब लोग जानते थे कि ये नबी के नवासे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बहुत सी अहादीस बयान फरमाई हैं, इनके बड़े मर्तबा हैं और ये नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। फिर भी दुनिया के लालच में उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया और शहीद ही नहीं किया बल्कि शहीद करने के बाद उनके लाशाए अकदस पे घोड़े भी दौड़ाए, उनके खेमे जलाए और बीवियों की चादरें नूच दी। ये सन 61 हिजरी का वाक़या है जो आशूरे के दिन पेश आया और जब से ही तमाम आलम इस्लाम, तमाम मुसलमान जो साहिब दिल हैं और साहिब ईमान हैं, वो हज़रत इमाम हुसैन के गम का बयान फरमाते हैं और उनके गम में गिरिया जारी करते हैं और ये अहद करते हैं कि इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, दीन की हिफाजत करेंगे। इसके अलावा भी आशूरे के दिन, ये जो आशूरे का मुकद्दस दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख जो है, इसी के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी हव्वा से मुलाकात हुई, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तिरी और जूती पहाड़ पर लगी, इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए, इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया, इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिली और इसी दिन कई बरसों के बिछड़ने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शफा याब हुए और इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नील नदी से पार हुए और फिरौन को मैं अपनी फ़ौज के गर्क हुआ, इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है और इनको आसमान पर उठाया गया है। ये बड़ा मुकद्दस दिन है, तमाम अंबिया इस्लाम, अंबिया इकराम की जितनी भी बलायात थी, इसी दिन उन बलायात से इनको निजात मिली है, मगर बड़े अफसोस की बात है, हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने अपने नबी के नवासे को तमाम परेशानियों से भूखा प्यासा इस दिन शहीद किया। जबी से वो सब लोग, बहुत कम लोग ये सब जानते हैं आशूरे की फजीलत, मगर ज़्यादातर लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं और आशूरे का रोज़ा रखते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस भी है कि आशूरे के अलावा 9 और 10 का रोज़ा रखो, अगर 9 का छूट जाता तो 10 और 11 पर 2 रोज़े रखो। ये बहुत इस रोज़े का अहतमाम किया जाता था और आज भी साहिब ईमान लोग आशूरे का रोज़ा रखते हैं और बहुत सारे मोमिनीन जो सादात में से हैं वो पूरे मुहर्रम के 10 दिन रोज़े रखते हैं। दरबार गरीब नवाज में बयान शहादत होता है, लंगर तकसीम किया जाता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे उनके बताए हुए उसूलों पे चलने के लिए दुआ खैर की जाती है।